हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स रोल की रेसिपी, जो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग है और खाने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी। तो चलिए, बनाना भी बहुत ही आसान है इसको, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ये खजूर है, ये हमने 500 ग्राम खजूर लिए हैं। इनको हमने नाइफ से कट कर लिया है और इसकी हमने ये देखिए गुठलियाँ निकाल दी है और पीछे का हिस्सा ये निकाल दिया है। ये बहुत ही सख्त होता है, इसको हम कट करके आपको दिखाएंगे। और ड्राई फ्रूट्स में लिया हमने पिस्ता, काजू एक एक कटोरी ली है, बादाम एक कटोरी, और ये हमने ये कद्दू होता है सीताफल, उसके बीज लिए हैं। और यहाँ पर हमने लिए है तरबूज के, ये खरबूजा के, और यहाँ पर हमने लिया है ये पोस्ता दाना, ये पिस्ता, थोड़ा सा घी। हम घी ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम शुगर फ्री बना रहे हैं, तो घी ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, रख लिया है, थोड़ा सा ही यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, इसको हम कट करके दिखा देते हैं। इसके पीछे वाला हिस्सा हम इस तरह से निकाल देंगे और इसकी गुठली जो होती है वो भी हम ऐसे करके निकाल देंगे। हम इनको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हम ऐसे ही आपको बनाकर दिखाएंगे ऐसे, और कुछ इस तरह से हम छोटा छोटा पीस कट कर लेंगे। तो हमें मिक्सी में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिक्सी में चलता भी नहीं है, पीसता भी नहीं है। फिर पानी डालना पड़ेगा, पानी हमें डालना नहीं है बिल्कुल। कुछ इस तरह से देखिए, बहुत छोटा छोटा पीस हो गया, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो बिल्कुल ही ये मैश हो जाएगा। और यहाँ लिए हमने एक कढ़ाई। पहले हम क्या करेंगे, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का घी डालकर हम फ्राई करेंगे। और एक साथ ही हम इनको सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है और देसी घी से हम बना रहे हैं। इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे, घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसी में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। पहले हम बादाम डालेंगे क्योंकि बादाम थोड़ा सा सख्त होता है, तो बादाम को हम बाद में डालेंगे, पहले डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें ये काजू, काजू डालने के बाद पिस्ता, और पिस्ता डालने के बाद ये कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजा के बीज, सारे सब कुछ डालने के बाद हल्का सा ही हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। फ्राई क्या करना है, हम भून रहे हैं, थोड़ा सा इनको भूनना होता है हल्के से घी में, डीप फ्राई नहीं करना है इसको हमें। और यहाँ देखिए, हमने इनको थोड़ा सा भून लिया है। आप सुन रहे होंगे ये बीज भी चटकने लगे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे क्योंकि ये फिर जलने लगेंगे निकालते हुए। सारे हम निकाल लेंगे। अब हम पोस्ता दाना को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि पोस्ता दाना हमें घी में नहीं करना है, और वैसे भी हल्का सा घी तो लगा ही था कढ़ाई में, इसको हल्का सा ही भूनना है। अब हमने इनको थोड़ा सा ही हल्का सा भूनना है। अब हम इनको भी निकाल लेंगे, और अगर ये दाने नहीं निकलते हैं तो हम इसी में खजूर डालकर फ्राई कर लेंगे, यानी इसी में हम खजूर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी खजूर में डालना है इसको, सारे खजूर इसी में डालकर, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे यानी गर्म कर लेंगे। अब हम ये खजूर में भी थोड़ा सा घी डाल देंगे, यानी एक चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है,
ये देखिए इतना हमने घी, आधे से ज्यादा तो हमने बचा लिया है, और इसको अच्छे से इसी में गर्म कर लेंगे। थोड़ा घी तो लगता ही है, क्योंकि बिना घी का तो ये बनता नहीं है। ऐसे ही हम गर्म कर लेंगे, और यहाँ देखिए गर्म भी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये देखिए अलट पलट कर हमने गर्म कर लिया इसको। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके फैलाकर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके मिलाने में थोड़ा सा आसानी होगी। ऐसे हम छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। अब हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे लास्ट के लिए। इतना सा हम लास्ट के लिए बचा लेते हैं, और बाकी इसी में हम मिक्स कर देंगे। ऐसे करके, और जो ड्राई फ्रूट्स में घी है वो इनमें मिक्स हो जाएगा, तो वैसे भी घी हो जाएगा इसमें। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए हमने इसको हाथ से मिक्स किया है और एक डो जैसा बना लिया है। अब हम इसका रोल बनाएंगे, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके दो रोल बनाएंगे, क्योंकि एक रोल में तो आएगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बटर पेपर, उस पे हम लगा देंगे हल्का सा घी, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। और अब हम इसमें इसको रोल बनाएंगे इसका, पहले हाथ से लंबा कर लेंगे। इस तरह से फिर इसको हम ऐसे बटर पेपर की सहायता से रोल कर लेंगे। ऐसे रोल करके आपको दिखाते हैं। अब हम ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐसे करके फैला लेंगे, और ये रोल के ऊपर ऐसे करके हम थोड़ा सा लगा लेंगे। थोड़ा सा और हम डालेंगे, ऐसे रोल बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर ऐसे ही चिपका लेंगे हम, और अच्छे से इसको रोल कर लेंगे बटर पेपर से ऐसे करके। अच्छे से दबा दबा कर हम इसको ऐसे चिपका लेंगे। ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी ये रोल बनकर तैयार होता है। और पहले भी वीडियो में हमने इसके लड्डू डाले हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बने थे। ये देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमने पोस्ता दाना लिया था इसको अब हम डालेंगे, और इसको भी हम ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। इससे बहुत बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है ये रोल। ऐसे, ये देखिए, इसी तरह से हम इसको सारा कोट कर देंगे। अब हम इस रोल को थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 5 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हमने इसको सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम कट करके दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। थोड़ा सा नाइफ को ऐसे ही चलाकर हम ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे पीसेस आएंगे। तो इसको हम और कट कर लेते हैं, एक और आपको दिखा देते हैं कट करके। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत बनकर निकला है ये, मतलब बना है। ये देखिए, इसी तरह आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। इस
ये जो रक्षाबंधन आ रहा है, किसी को अगर डायबिटीज है तो आप शुगर फ्री बनाकर ये खिला सकते हैं। और यहाँ देखिए सभी को हमने कट कर लिया है पीस को। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और यमी यमी बनी है ये रोल यानी शुगर फ्री। आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। इसको हम सर्व कर लेते हैं। और यहाँ देखिए रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।